संसार में तीन चीजें बड़ी मशहूर हैं लोगों, अमेरिका का विज्ञान, चीन का सामान और हमारे हिंदुस्तान का जवान है। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे। झांसी की रानी को देखो अमर कर गई, झांसी झांसी की रानी को देखो अमर कर गई, झांसी झांसी की रानी को देखो अमर कर गई, झांसी झांसी की रानी को देखो अमर कर गई, झांसी। हंसे हंसे भगत सिंह ने, हंसे हंसे भगत सिंह ने गर्दन दे लई फांसी है। महिलाएं जिन्होंने घूंघट में चल करके अपने जीवन को बिताया वो भी किसी से कम नहीं रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे लोगों, अब ये तलवारें का चलाई है ना पे धोती ना समझ के है। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह से पूछा, भगत सिंह कोई अपने परिवार के पीछे नहीं मरता, कोई अपने घर के पीछे नहीं मरता, और तुम देश के पीछे मरने जा रहे हो, तुम्हें क्या पड़ी है देश आजाद कराने की। भगत सिंह ने कहा है सरकार, अंग्रेज अधिकारी बोला, भगत सिंह ये तुमसे किसने कहलवाया अंग्रेजों भारत छोड़ो। बोले मेरे गुरु ने। क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? दयानंद। ये आवाज सबसे पहले दयानंद ने उठाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्हें जहर दे करके मार दिया है। कौन सही अन्यायी भ्रात जो भारतवासी सहे नहीं, और देश की खातिर काउडे तानी जहर के प्याला पिए नहीं। भगत सिंह एक दिन अपने पिता के साथ गए, पिताजी मक्के की फसल बो रहे हैं तो भगत सिंह बोले, पिताजी ये मक्के के दाने जमीन में क्यों डाल रहे हो? बोले बेटा, हम जमीन में एक दाना डालेंगे तो एक दाने के बदले 50 दाने निकलेंगे। तो भगत सिंह बोले, पिताजी हमें अन्न की जरूरत नहीं है, अगर एक दाना डालने से 50 दाने निकलेंगे तो इस मक्के की बाजरा की फसल को बोना बंद करो, अपने अपने खेतों में बम के गोले बोना शुरू कर दो, जो एक गोले के बदले 50 गोले निकलेंगे तो अंग्रेजों को देश से भगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। धन्य है देश के इस वीर जवान भगत सिंह को। खेती करते देख पिता को भगत सिंह ने बोला, ये मक्का बाजरा कोई मत भाई हो बम मक्के गोला, मक्का बाजरा कोई मत भाई हो बम मक्के गोला, मक्का बाजरा कोई मत भाई हो बम मक्के गोला, ये मक्का बाजरा कोई मत भाई हो बम मक्के गोला। ये भैया ऐसे ऐसे जवान हमारे देश भारत में हुए हैं। एक बात और बता दें,
सारी दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इन्हें सब रिश्वत अच्छी लगती है। रिश्वत पैसा दे के इनसे कोई काम करवा लो। अगर हमारे देश में कोई ईमानदार है तो वो है केवल मेरे भारत देश का जवान। उसे केवल अपने देश भारत की सुरक्षा से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। याद रहे लोगों, ए हरा भरा वीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। द्वापुर में श्री कृष्ण ने राजा कंस पछाड़ा था, द्वापुर में श्री कृष्ण ने राजा कंस पछाड़ा था, ये युग द्वापुर में श्री कृष्ण ने राजा कंस पछाड़ा था। सब वीरों में वीर शिरोमणि प्यारा ये हनुमान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ही भारत के वीर जवान भगत सिंह को।